सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ हर उस परिवार को मिले जो इसके हकदार हैं। जी हां, इसी उद्देश्य से रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ नागरिक अस्पताल रेवाड़ी के सीएमओ ने रिबन काट कर हरी झंडी दिखाकर किया। सीएमओ ने बताया कि 1 मार्च से 15 मार्च तक आयुष्मान भारत के बारे में लोगों को जागरूक करना, इसका लाभ जन जन तक पहुंचाना, गोल्डन कार्ड बनवाना, उसके लिए पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य प्रोग्राम है आयुष्मान भारत के अंतर्गत, प्रत्येक फैमिली जो एलिजिबल है, जिसका गोल्डन कार्ड बनेगा, वो साल में 5,00,000 रुपये तक का जो हमारे एम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं उसमें जाके अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं का लाभ ले सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। तो इस पखवाड़े की इस माध्यम के दौरान को अवेयर करना, बताना, और एक भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया, mera.pmj.gov.in। ये पोर्टल है जिस पे बंदा कोई भी बेनिफिशरीज़ अपने मोबाइल फ़ोन पे ऐप डाउनलोड करके इस पोर्टल पे जाके लिस्ट देख सकता है कि वो उसका नाम उस लिस्ट में है, उस एरिया का बंदा है, जो वो सारे के सारे पता लग जाएंगे उसको। आपको बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत जो लोग इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं, वह निजी और सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त अपने नजदीकी की CHC में आयुष्मान कार्ड बनवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहीं पलवल में भी उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई है। आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवारों को इलाज के लिए 5,00,000 रुपए की सबसे बड़ी बीमा योजना है। पलवल जिले में इस योजना की सुविधा 11 प्राइवेट अस्पतालों तथा 7 सरकारी अस्पतालों में दी जा रही है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत के तहत पात्र परिवारों की सूची वेबसाइट के अलावा सभी सरपंच, आशा वर्कर व CHC सेंटर पर उपलब्ध है, इसलिए सभी पात्र लोग अपना नाम देखकर कार्ड अवश्य बनवा लें। ये सरकार की तरफ से हिदायतें आई हैं कि आयुष्मान भारत के लिए जो हमने मुहिम पहले छेड़ी थी दोबारा से रिजुविनेट करें, दोबारा से लोगों में एक आयुष्मान भारत के जो कार्ड हैं उनके लिए लोग आगे आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड हैं जो हमारी कवरेज है उस कवरेज को बढ़ाने का हमारा ये एक पब्लिसिटी कैंपेन आज शुरू किया है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कह सकते कि हम एकदम बन जाएंगे, पर यह कि लोगों में अवेयरनेस होगी, जाएंगे, जागृत होंगे। आप ये देखो कि इससे पहले जब हमने शुरू किया था हमारी परफॉर्मेंस बहुत नीचे थी, तो उम्मीद है कि जैसे आज हम मनरेगा में नंबर 1 पे MND, CM विंडो में हम 21-22 पे होते थे, नंबर 2 पे पहुंच गए हैं CM विंडो को रिड्रेसल करने में, CM अनाउंसमेंट में हम टॉप पे हैं, PPP में आप देखो, आप ये कह रहे हो कि कार्ड कैसे बनेंगे, PPP में भी हम परिवार पहचान पत्र जो आज का गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके अंदर भी हम बहुत नीचे थे, आज उसमें भी हम 4 नंबर पे चले गए हैं। तो इस तरह से आयुष्मान भारत में जब सारा प्रशासन चलेगा और हेल्थ डिपार्टमेंट चलेगा, क्यों नहीं कवरेज करेंगे इसकी भी कवरेज, मुझे पूरी उम्मीद है, और मेरा पूरे प्रशासन का हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमारा कन्वर्जेंस रहेगा और करेंगे। वी न्यूज के लिए चंद्रशेखर और संजय राठौर की रिपोर्ट।